अखिलेश यादव को जिगरी यार के नेता ने ये क्या कह दिया, खुद किया दल बदल और अखिलेश को बताया डरपोक। जयंत चौधरी को भी उन्हीं के विश्वासी नेता ने जमकर लपेटा। जिस नेता को सम्मान और पद दिया उसी ने दे दिया गच्चा। देखिए अब किस दल के साथ पहुंचा जयंत का साथी, देखिए क्यों जयंत के साथी ने की धोखेबाजी। अखिलेश यादव के जिगरी यार और गठबंधन साथी जयंत चौधरी के साथ उन्हीं के एक नेता ने ऐसा धोखा किया है कि सब सन रह गए। खुद को पाक साफ बताने की कोशिश में जयंत चौधरी के साथ धोखा करने वाले ने अखिलेश यादव को डरपोक करार दिया और बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ाने की तोमर जड़ दी। इतना ही नहीं, जिस नेता को जयंत चौधरी ने पद सम्मान और पहचान दी उसी ने उनका साथ छोड़ दिया और जयंत चौधरी को भी जमकर लपेटा। दल बदल तो ठीक था लेकिन छोड़ा भी उस दल के लिए जिसकी सियासत में उत्तर प्रदेश में दाल भी गलती नहीं दिखाई दे रही है। आरएलडी में जो नेता प्रदेश अध्यक्ष के पद तक पहुंचा अब वो एक डूबते जहाज पर सवार हुआ है। हालांकि जयंत चौधरी को अपने इस नेता की चालबाजियों का आभास पहले ही था, इसीलिए उन्होंने कई सख्त कदम भी उठाए थे। बताएंगे कि कौन नेता है जिसने धोखेबाजी की और किस पार्टी में अब शामिल हुआ है, लेकिन पहले आप बताएं कि अवसरवादी नेताओं पर क्या लगाम नहीं लगनी चाहिए? क्या अवसरवादी नेता आवाम का भला कर सकते हैं? आपकी राय क्या है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं अखिलेश यादव के जिगरी यार जयंत चौधरी के करीबी उस नेता की जिसने पाला तो बदला ही साथ तमाम आरोप भी जड़ दिए। दरअसल राष्ट्रीय लोक दल के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मसूद अहमद ने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में एंट्री ले ली। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और यूपी के सह प्रभारी धीरज गुर्जर ने उन्हें पार्टी में शामिल करवाया। धीरज गुर्जर ने इस मौके पर कहा कि देश और प्रदेश में अब अल्पसंख्यक दलित समझ चुके हैं कि कांग्रेस ही बीजेपी का एकमात्र विकल्प है। डॉक्टर मसूद अहमद और उनके समर्थकों के आने से कांग्रेस को ताकत मिलेगी। धीरज गुर्जर ने कहा कि देश में बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, लेकिन मोदी सरकार और बीजेपी जानबूझकर आम जन की कमर तोड़ रही है। युवाओं ने अच्छे दिनों के लिए बीजेपी को वोट दिया था, लेकिन अब युवा और छात्र पुराने दिनों को याद कर रहे हैं। डॉक्टर मसूद अहमद ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी आरएसएस की जनविरोधी नीतियों और तानाशाही रवैये के खिलाफ पूरे देश में सिर्फ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ रहे हैं। अल्पसंख्यकों और दलितों को गुमराह कर वोट लेने वाले छोटे छोटे क्षेत्रीय दल मौन हैं और बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर मसूद अहमद ने कहा कि अखिलेश यादव, मायावती, जयंत चौधरी ईडी के भय से नहीं बोल रहे हैं, मौन रहकर बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं। मुस्लिमों और दलितों को अंधभक्ति छोड़कर कांग्रेस से जुड़ना चाहिए। डॉक्टर मसूद अहमद ने अखिलेश यादव को डरपोक क्या कहा कि अब सपाइयों का पारा हाई दिखाई दे रहा है और अखिलेश यादव पर टिप्पणी करने के आरोप में जमकर उन्हें खरी खोटी सुना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।